हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब विद मुकुल में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये किस पोस्ट से रिलेटेड है और किस डिपार्टमेंट में ये रिक्रूटमेंट निकला है। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि सारी डिटेल आपको पता लग सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो गाइज इसको लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो गाइज, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है और ये नोटिफिकेशन किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये नोटिफिकेशन निकला है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकला है, जो कि BSF का रहने वाला है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। इसके अंदर नई वैकेंसीज निकली है जो कि 4 नवंबर को रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन। फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी, जो ग्रुप सी की वैकेंसीज है पोस्ट नॉन रजिस्टर्ड, वो इसके अंदर निकली है। नॉन मिनिस्ट्रियल कॉम्बेंसिस पोर्ट ऑफ डिपोशन बेसिस इन BSF सेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर निकली है। इसमें लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट इन BSF सेक्टर MT वर्कशॉप। जो MT वर्कशॉप होता है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का इसको बोलते हैं, जिसमें मतलब जो जितनी भी फौज होती है उसके अंदर उसको MT बोला जाता है, और उसमें वैकेंसी निकली है ये, ठीक है। नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो दोस्तों, इसमें हेड कॉन्स्टेबल की निकली है, व्हीकल मैकेनिक की पे लेवल अच्छा खासा है, 25,000 से स्टार्टिंग है, 100 वैकेंसीज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। फिर हेड कॉन्स्टेबल का ऑटो इलेक्ट्रीशियन का है 12 वैकेंसी, उसके बाद हेड कॉन्स्टेबल ब्लैक स्मिथ का है 16 वैकेंसी, हेड कॉन्स्टेबल पेंटर का है 19 वैकेंसी, अपहोल्स्टर का है 18 वैकेंसी, ठीक है, टर्नर का 15 वैकेंसी है इसके अंदर, फिटर की 18 वैकेंसी है, ऑपरेटर टायर रिपेयर प्लांट की 19 है, कारपेंटर की 6 है, स्टोर कीपर की 20 वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी, वेल्डर की आपको 11 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कुछ आपको दे दिया गया है। ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, इसमें आपको यहाँ पे इनके टेक्नीशियन नाम दे दिया गया है कि मतलब क्या क्या इसमें नाम है और एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ। इसका फुल नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें ऑफिस जो मतलब आपको डॉक्यूमेंट भेजने होंगे वो इस ऑफिस में जाएगा आपका, ठीक है। और आपको इसमें 60 दिन का टाइम दिया गया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन के बाद आपको 60 दिन का इसमें टाइम दिया गया है कि आपको अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पे आपको कुछ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सेफ फर्स्ट का मांगा गया है, वो चीज़ें आपको इसमें डालनी होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगाना होगा, ठीक है। आपको इसमें अपना मतलब जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ इसमें आपको देने होंगे। और उसके बाद इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दी गई है जो कि आप मतलब नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आपको जब इसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जल्दी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी शुरू होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे दी गई है www.bsf.nic.in। और इसमें जो इन्वॉल्व है वो यहाँ पे जाएगा, ये आप देख सकते हो, बोल्ड लेटर में आपको ये लिखना होगा। और यहाँ पे जो इनके हेड है उन्होंने साइन किए हुए हैं। तो गाइज, अब मैं नोटिफिकेशन आपको सारी चीज़ आपको कवर करा दी है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारी डिटेल्स आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही था। नई भर्ती के साथ जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।